हाय गाइस, आप सबका स्वागत है कीकू और किस्सू की दुनिया में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपको पता ही होगा या समझ ही गए होंगे कि आज मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ अलग बोला है। वो है मेरे चैनल का नाम। तो मैंने मेरे चैनल का नाम चेंज किया है क्योंकि मुझे मेरे चैनल का नाम कॉमन लग रहा था। आई होप आप सबको बहुत पसंद आए मेरा ये वीडियो। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो मैं कट कर रही हूँ भुजे के लिए आलू। फटाफट छील लेती हूँ। मैं कट करके बताती हूँ फिर आगे। फाइनली गाइस, मैंने आलू को कट कर लिया है भुजिया के शेप में, जैसे फ्रेंच फ्राइज काटते हैं, लंबा लंबा और पतला पतला। और अब इसे करूँगी फ्राई। उससे पहले मैं इसे रख दूँगी पानी में भिगो के थोड़ी देर, फिर उसके बाद करूँगी फ्राई। मैंने लिया है तुअर की दाल और मसूर की दाल, और इसे मैंने कम से कम 3 से 4 पानी से अच्छे से धो दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी, नमक, तेल, और मैं इसे गैस पर रख के कम से कम 3 से 4 लगा दूँगी सीटी। गाइस, दाल अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसमें लगाएंगे हम तड़का। और ये बैठे पति देव जो दिन भर फ़ोन में ही लगे रहते हैं, और हम एक बीवी बेचारी दिन भर काम में और ज़रा सा भी तरस नहीं आता इन्हें हम पे। मैंने 4 गिलास पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है और 2 गिलास चावल लिया, जैसे उसका डबल पानी लिया है। जैसे ही पानी गर्म होता है उसके बाद हम चावल को धो के अच्छे तरीके से उसमें डाल देंगे पकने के लिए। पानी हो चुका था गर्म और मैंने चावल को अच्छे से 2 से 3 पानी से धोया और पानी में रख दिया है उसे पकने के लिए। और बिहारी लोग तो जानते ही हैं माड़ वाला चावल कैसे बनता है, बस उसी तरीके से बनाना है हमें चावल को। गाइस, हरी मिर्च भूनती है, फ्राई कर दिया है, चावल भी लगभग तैयार है। दाल को लगाना है चौक और चोखे का मसाले को भी करना है तैयार। और मैं अब जा रही हूँ पापड़ को तलने। तो पापड़ मैंने निकाल लिया है और कढ़ाई रख दी है। अब इसमें तेल गरम करूँगी और पापड़ तलती हूँ। तब तक आप ब्लॉग में बने रहना। गाइस, पापड़ को भी तल चुके हूँ। अब बनाऊंगी भुजिया उसी कढ़ाई में जिस कढ़ाई में मैंने पापड़ को तला है। मैंने तेल में डाला था जीरा और जीरा के बाद डाला था आलू, और आलू को कर दिया है मैं धीमे फ्लेम पे पकने के लिए। तो जैसे ही पकता है उसके बाद करते हैं आगे के। हम आलू में डालेंगे लंबे लंबे कटे हुए हरी मिर्च और प्याज और उसे करेंगे गोल्डन फ्राई। और जैसे ही गोल्डन फ्राई होगा उसके बाद डालेंगे हम मसाले। गाइस, हमारा भुंजिया हो गया गोल्डन फ्राई। बस इसे इतना तक पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। इसमें डाला है हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाल के मसाले को अच्छे से, और गरम मसाला डाला है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे 2-3 मिनट पकने देंगे और फिर आलू को दबा के चेक करेंगे, और आलू पक जाए तो इसे उतार लेंगे। मैंने बनाया आलू का चोखा, बिहारी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। और चटनी टमाटर और प्याज और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और लाल मिर्च से। फाइनली गाइस, मैंने दाल को लगा लिया है तड़का, जैसे हम दाल को तड़का लगाते हैं उस तरीके से। पापड़ जो आपने पहले देखा वीडियो में, ये मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था हरी मिर्च, और बना है चावल। मेरा हो चुका है पूरा काम, खाना पीना सब, बर्तन वर्तन सब। अब बस सोने की तैयारी है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर आपको पसंद आया हो मेरी वीडियो तो लाइक ज़रूर करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मेरे चैनल से जुड़े रहना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।